ए हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज आप सबके लिए मैं फिर से एक सीएमए सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। मेरे साथ है सीएमए प्रोसनजीत घोष, एंड अभी रिसेंटली कैंपस में प्रोसनजीत का सिलेक्शन हुआ है आईटीसी टोवेको में। सो ये स्टोरी उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत मोटिवेशनल होने वाली है। और प्रोसनजीत बेसिकली कोलकाता से बिलोंग करते हैं। सो सुनते हैं प्रोसनजीत की स्टोरी, एंड आप सबको बहुत सारा मोटिवेशन एंड गाइडेंस इस वीडियो में मिलने वाला है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो हाय प्रसन्नजीत, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ, एकदम अच्छा चल रहा है। आप बताइए सब कैसा चल रहा है? मैं बहुत ठीक हूँ, एंड मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा सिलेक्शन आईटीसी टोवेको में हुआ। सो तुम्हें कैसा फील हो रहा था जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ था आईटीसी टोवेको में? बहुत अच्छा फील हो रहा था उस टाइम, और ये सब आप ही का आशीर्वाद है, आप ही लोगों का आशीर्वाद से हुआ है। और बेसिकली कैंपस प्लेसमेंट के पहले से ही आप गाइड कर रहे थे, मॉक इंटरव्यू वगैरह दे, तो उससे कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हुआ था। और बेसिकली उसी के वजह से ही शायद आईटीसी तोबाको में हो गया मेरा। और जब हो गया था आईटीसी तोबाको में, जैसे 10:30 बज रहा था उस टाइम, तो उसी टाइम मेरा सिलेक्शन पक्का हो गया था कि मेरा हो गया आईटीसी तोबाको में। तो मतलब उस मूवमेंट बहुत अलग ही मूवमेंट था, पूरा इमोशन भरा हुआ था कि इतना दिन को मेहनत आज रंग लाया, आईटीसी तोबाको में फाइनली हो गया। मुझे भी याद है, मैं जिस दिन भी जब भी तुम्हारा या पूजा का योगिता जितने भी सारे स्टूडेंट्स थे, जब भी इंटरव्यू रहता था मैं पूरा फोन पे अवेलेबल रहता था कि यार जल्दी से मुझे गुड न्यूज मिले, तुम लोग का वेट करते रहता था। और जैसे ही सिलेक्शन होता, कॉल आता, मतलब मुझे भी उतना ही खुशी होता था। बिकॉज सबको पता है मेरा कैंपस नहीं हुआ था, और मेरा बहुत ड्रीम था कि यार कम से कम मेरा तो नहीं हुआ, लेकिन वो सारे बच्चे जो मेरे पास है उनका सिलेक्शन हो। और वो सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया जो भी आए थे मेरे पास। सो थैंक्स कि तुमने मुझे ज्वाइन भी किया, बिकॉज बहुत सारे लोग थे जिन्होंने क्वेश्चंस किए बट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किए, बट हाँ जिन्होंने ज्वाइन किए उनको जो चाहिए था वो मिल गया। दैट्स इट। सो प्रसन्नजीत, हाँ, बेसिकली आपका जो कोर्स है मैं बोलूंगा, मतलब ये इतना अफोर्डेबल है कि मतलब कोई भी कर सकता है इसके लिए। मतलब जो मैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस भी देखा जिसमें काफी चार्जेस है, बट आपका ऐसा कुछ वैसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। और अफोर्डेबल इन द सेंस कम दाम होने से लोग विश्वास नहीं करते, बट आपका ऊपर विश्वास कर ही जा सकता है। मतलब 6 लोगों हम लोग ने कैंपस के लिए ज्वाइन किया, 6 लोगों का हो गया। मतलब आगे का जनरेशन, आगे का जो सीएमए जो फाइनल क्लियर करेंगे नेक्स्ट टाइम जून 2023 टर्म में, बेसिकली लोग ट्रस्ट कर सकते हैं एकदम आग बंद करके। डेफिनेटली। सो प्रसन्नजीत, जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ उससे पहले लाइक आईटीसी का जो इंटरव्यू था वो कितने राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ था? फर्स्ट राउंड हुआ था, वो भी टेक्निकल राउंड था, और सेकंड राउंड था वो हाई टेक्निकल राउंड था। तो फर्स्ट राउंड जो था, अराउंड मेरा अराउंड उसमें ऑलमोस्ट 30 मिनट का आसपास चला था, ट्वेंटी ओके। और सेकंड फाइव राउंड? टू 30 मिनट। और जो सेकंड राउंड था वो ऑलमोस्ट जो सेकंड राउंड था वो ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट चला था। ओके, इतने से उन्होंने बहुत सारे एरिया से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे, राइट? जो फर्स्ट राउंड था वो, उसमें पहले तो उन लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा, फिर उसके बाद सीधा मतलब अपना सीवी पे आ गया कि कहाँ से काम किया है, क्या कितना महीना काम किया है, एकदम सीवी को पूरा पोस्टमार्टम कर रहे थे। मतलब एक एक लाइन पकड़ पकड़ के पूछ रहे थे कि बताओ इसमें क्या क्या काम किया था, फिर उसमें टेक्निकलिटीज, फिर उनको जो लगता है कि इस पॉइंट से बाहर मार्केट में क्या क्या काम हो सकता है उसको एकदम पूछ रहे थे। मतलब इंस्टीट्यूट का कुछ अगर कॉन्सेप्ट, उसमें फॉर्मूलाज वगैरह है, वो सब भी पूछ रहे थे। मतलब एकदम हर एक वर्क एरियाज को एक्सप्लोर कर रहे थे कि मैंने सही में काम किया कि नहीं। फिर उसके बाद फिर टेक्निकल पॉइंट, टेक्निकल क्वेश्चन पर इंडेक्स पूछे थे, कॉस्टिंग पूछे थे, उसके बाद जीएसटी पूछे थे, इनकम टैक्स भी थोड़ा बहुत पूछा था, टीडीएस का रेट वगैरह, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सब भी पूछे थे। मतलब ऑलमोस्ट हर एक एरिया को कवर किया था आईटीसी का फर्स्ट राउंड जो था। और फर्स्ट राउंड में पूरा पूरा ओवरऑल किसी को भी जज किया जा सकता वैसा वाला था फर्स्ट राउंड में। तो प्रश्नजीत, हम स्टार्ट करते हैं आपकी सीएमए जर्नी से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताओ, आपने सीएमए कोर्स में इनरोल कैसे किया? किसने आपको बताया या फिर आपने खुद से रिसर्च किया? सॉरी, आपका बात थोड़ा कट गया, समझ में नहीं आया पुलिस। मैंने ये पूछा कि आपने सीएमए कोर्स में जो आपने एडमिशन लिया था उसने उसमें आपने बाय सेल्फ रिसर्च किया था या फिर आपको किसी ने सजेस्ट किया था?
एक्चुअली मेरे को क्लास 10th के बाद ही कॉमर्स लेने का मतलब यही मोटिव था कि मेरे को एक्चुअली प्रोफेशनल कोर्स करना है. तो एक्चुअली मैंने सीए के बारे में पहले देखा था, बट जो आर्टिकलशिप पीरियड है सीए का वो 3 साल का होता है. तो मेरे को लगा था कि कॉलेज के साथ खत्म होने वाला नहीं है, तो मेरे को ऐसा कोर्स करना था जो मेरा कॉलेज के साथ खत्म हो जाए. एटलीस्ट कॉलेज के साथ मतलब कॉलेज से अगर 4-5 महीना ज्यादा भी होता तो ठीक है, तो 3 to 3.5 years में हो जाना चाहिए. तो इसीलिए मैंने CMA ज्वाइन किया. और CMA को मैंने एक चीज पूरा चेक किया कि कितना लेवल्स होता है, कितना टाइम लगता है, कितना कम टाइम में फिनिश किया जा सकता है. तो उस टाइम 6 month का आर्टिकलशिप था जब मैंने ज्वाइन किया था. फिर जाके मैंने जब इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन, फिर बाद में वो रूल्स चेंज हो गया, 15 महीने हो गया. मैंने भी उस 15 महीने आर्टिकलशिप, 15 महीने से ज्यादा आर्टिकलशिप किया है, बट उस टाइम 6 month ही था. तो बेसिकली इसी की वजह से मैंने CMA इंस्टीट्यूट में CMA का कोर्स को ज्वाइन किया कि जल्दी हो सके, जल्दी नौकरी मिल सके. ग्रेट. सो प्रशंजीत, आपने जैसा मुझे बताया कि आपने 12 से पहले ही आपने CMA फाउंडेशन में एडमिशन ले लिया था, राइट? यस यस. सो मतलब आपने एक्चुअली आप बताओ. एक्चुअली मैं जब 12th में था उसी टाइम मतलब मैं एक सर के पास पढ़ता था, मैथ पढ़ता था, तो उनके भाई CMA कर रहे थे. तो मैंने पूछा कि मतलब मेरे को फाउंडेशन देना है जून में, मेरा मार्च में मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा 12th का और मई तक रिजल्ट आ जाएगा, तो मेरे को जून में देना. तो वो बोले पॉसिबल है, तो बोले कि हाँ एकदम पॉसिबल है, तुम रजिस्ट्रेशन करा दो प्रोविजनली और रिजल्ट आने के बाद तुम दे सकते हैं. बट ये पता नहीं था कि रिजल्ट आने के बाद फिर उसको जमा कराना इंस्टीट्यूट में प्रोविजनल से, उसको रेगुलराइज कराना, मतलब ये सब नहीं पता था. तो बस रजिस्ट्रेशन करा लिए थे 12th देने के पहले ही, 31st January जो टाइम होता था, तो मैंने रजिस्ट्रेशन करा के रखा था. फिर मेरा बोर्ड एग्जाम था मार्च में, तो बुक्स वगैरह इंस्टीट्यूट से आए थे घर में, बट कुछ खोले नहीं क्योंकि बोर्ड का एग्जाम था 12th का. तो इसलिए 12th का एग्जाम दे दिया मार्च में, मैंने मार्च के एंड में खत्म, अप्रैल का फर्स्ट वीक तक खत्म हो गया बोर्ड का एग्जाम. फिर उसके बाद मेरे पास 1 महीना का टाइम था, तो उसमें पढ़ाई लिखाई कुछ किए नहीं था क्योंकि बोर्ड एग्जाम जस्ट खत्म हुआ था, मतलब कुछ पढ़ाई लिखाई किए नहीं थे. और उस टाइम थोड़ा घर में थोड़ा पापा का उस टाइम तबीयत भी अच्छा नहीं था, तो भागा दौड़ हो रहा था. तो उसके वजह से बेसिकली अप्रैल मैंने कुछ पढ़े नहीं. फिर मई में रिजल्ट आया क्लास 12th का, और फिर उसके बाद मैंने ही तुरंत मेरा CMA का फाउंडेशन था. और फिर 12th जैसे पास हुए, फिर कॉलेज के एडमिशन के लिए भागा दौड़, कहाँ कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है, बीकॉम कहाँ से करना है, मॉर्निंग से करना है, डे से करना है, ये सब लेके भागा दौड़. तो मतलब फाउंडेशन में पढ़ाई लिखाई करे नहीं थे, जैसे भी करके फाउंडेशन जून में दे दिए. So, अच्छा, कॉलेज जब आपने एडमिशन लिया तो आप रेगुलर के लिए गए थे या डिस्टेंस के लिए, मतलब आप एडमिशन में गए कॉलेज आपका? मैं रेगुलर कॉलेज के गया था, और मेरा कॉलेज जो था मॉर्निंग सेक्शन में था. अच्छा, और मेरा कॉलेज बॉयज कॉलेज था. ओके ओके. सो प्रशंजीत, जो आपका रेगुलर कॉलेज था, तो आपने इंटरमीडिएट और आपका कॉलेज दोनों साथ ही चल रहा था, राइट? एकदम. तो आपने उसको कैसे मैनेज किया, अपना रेगुलर कॉलेज एंड इंटरमीडिएट? एक्चुअली मेरा मॉर्निंग कॉलेज था, तो सुबह 6 से कॉलेज होता था, 9:30 तक पूरा कॉलेज खत्म हो जाता था, और लास्ट पीरियड कोई नहीं भी करता था तो 9 बजे तक निकल सकता था आराम. तो बेसिकली जो फर्स्ट ईयर था, मतलब फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेमिस्टर था बेसिकली, वही हम लोग का हो पाया था. फिर उसके बाद फर्स्ट सेमिस्टर जैसे खत्म हो गया, उसके बाद फिर कोविड आ गया था, मार्च से कोविड आ गया. तो हम लोग का फर्स्ट सेमिस्टर जनवरी एंड में खत्म हुआ, 1 महीना हुआ, उसके बाद ही तुरंत कोविड आ गया. तो कोविड आने के वजह से पूरा कॉलेज बंद शुरू हुआ, वही जो कॉलेज बंद होना शुरू हुआ फिर कॉलेज जाके खुला 3rd ईयर में. और इसके वजह से घर पे ही थे तो कुछ सारा पढ़ाई हो गया, सारा पढ़ाई हो गया, आर्टिकलशिप भी हो गया, सब हो गया. राइट राइट. सो इंटरमीडिएट आपका बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट था, राइट? हाँ, बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट. सो इसमें आपके अप्रोक्स कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे आपके इंटरमीडिएट में? एग्रीगेट मेरा मार्क्स था 616, और वो बेसिकली 77% के आसपास होता है. राइट राइट. आपने सेंटर बेस्ड पेपर दिया था इंटरमीडिएट का? मैं सेंटर बेस्ड दिया था. उस टाइम 2 ऑप्शन था, होम बेस्ड और सेंटर बेस्ड. दिसंबर 2020 टर्म था वो वाला, तो जब इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया था, तो मेरे घर में मतलब वाईफाई वगैरह था नहीं उस टाइम, तो इसीलिए मैं सेंटर बेस्ड सीधा सेंटर में जाकर एग्जाम दिया था. सो जब इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया था, देन अब इंटर्नशिप का भी करना था, राइट? सो आपने फॉर्म ज्वाइन किया या फिर आपने कोई कंपनी पहले ज्वाइन की? बेसिकली मैंने एग्जाम देने के बाद ही एक सीधा फॉर्म ज्वाइन कर लिया था, इंटरमीडिएट का एग्जाम देने के बाद, खत्म होने के बाद. तो मैंने फॉर्म ज्वाइन किया, फिर उस फॉर्म में मैं काम कर रहा था, काम करते करते फिर रिजल्ट आ गया. फिर रिजल्ट आने के बाद फिर मैंने मतलब फिर से सर्च करना स्टार्ट किया. तो उस टाइम HSBC का वैकेंसी आया था अप्रैल में,
तो मैंने वो गूगल फॉर्म से इंस्टीट्यूट की तरफ से वो निकाला गया था, मैंने गूगल फॉर्म भर दिया, फिर एक महीना नहीं हुआ आई थिंक 15-20 डेज बाद एक तो मेल आया HSBC इंस्टीट्यूट से, कॉल आया कि आपका मतलब शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है उस कंपनी में, आप इंटरव्यू देना चाहते, तो मैंने कंसेंट दे दिया। हाँ फिर वहाँ से फिर मेल भेजा गया कि इंटरव्यू के लिए, तो मैंने इंटरव्यू दिया वहाँ पर फर्स्ट राउंड। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर सेकंड राउंड का इंटरव्यू आया, फिर सेकंड राउंड का इंटरव्यू होने के बाद फिर वहाँ पर फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस था वो सब करते करते थोड़ा टाइम लग गया था, फिर मैंने HSBC इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन की। ओके ओके, सो HSBC में एज ए ट्रेनी एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैं HSBC में एक्चुअली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में था, तो मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टीम के अंदर में मैं काम कर रहा था, तो उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने 15 मंथ HSBC में बिताया है, तो जो टीम था वो बड़ा अच्छा टीम था, वहाँ पर भी काफ़ी सारे मतलब ऐसे मैनेजर, मेरे मैनेजर मैनेजर भी थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे, बहुत अच्छे थे, और मेरे को जो ट्रेनिंग वगैरह था अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह दिलवाया गया, सारा चीज़ अच्छा था HSBC पे एक्सपीरियंस ओवरऑल, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस HSBC का। कितने कितने मंथ आपने वहाँ पे काम किया? HSBC मैंने 15 मंथ काम किया। ओके ग्रेट, सो आपने HSBC में भी काम किया एंड आपने एक फॉर्म में भी आपने काम किया, तो आप स्टूडेंट्स को क्या सजेशन करना चाहोगे इस पॉइंट पे कि उन्हें कितने मंथ की ट्रेनिंग करनी चाहिए और कौन सा बेस्ट है अगर वो दोनों में से कोई एक चूज करना चाहते हैं तो? ठीक है, अगर काम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो HSBC का जो काम है वो पूरा पूरी डिफरेंट एस्पेक्ट है। HSBC मेनली मैच इसमें था फंड अकाउंटिंग डिविजन था, तो उसमें फंड अकाउंटिंग रिलेटेड काम होता था, बट बेसिकली अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे जैसे कि कोई भी कम, जैसे अभी हमें ITC तुबाक में आए हो, तो यहाँ पर फंड अकाउंटिंग से कोई काम नहीं होता राइट तो यहाँ पर GST, इनकम टैक्स, कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, ये सब बैलेंस शीट प्रिपरेशन जो भी ये सब है, तो वो सब अगर सीखना है, अगर इंडस्ट्री में जाना है अगर, तो फिर मैं बोलूँगा फॉर्म में काम करना बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि बाद में वही काम रिपीट होगा। बट अगर किसी को लगता है कि नहीं हमको डाइवर्सिफाइड फील्ड में काम करना है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड में जाना है या फिर हमको ये फंड अकाउंटिंग इंडस्ट्री में काम करना है, तो उस टाइम पे आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जा सकते हैं। तो बहुत लोगों का स्टार्टिंग से रहता है कि हमको ऑडिट में काम करना है, हमको ये इसमें काम करना है, तो वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था, मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना था, थोड़ा काम सीखना था और कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस लेना था, राइट, तो मैं इस कारण के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में गया था। ओके, सो देन आपको साथ में अपने फाइनल की भी प्रिपरेशन करनी थी एंड आपने फाइनल किस तरीके से आपने कंप्लीट किया? मैं HSBC में रहते रहते मैंने फाइनल का एक ग्रुप दे दिया जो जून 2022 टर्म था, तो मैंने HSBC से छुट्टी लिया था अराउंड जो मेरे को मिला वहां पर से, तो मैं लेके कैसे भी करके मैंने फाइनल का ग्रुप 3 दे दिया, और फिर ग्रुप 3 देने के बाद फिर ट्रेनिंग करने के बीच में फिर रिजल्ट आया, मेरा क्लियर हो गया, फिर एक ग्रुप बाकी था, तो फिर नवंबर में मेरा HSBC में आर्टिकलशिप खत्म हुआ 15 मंथ, तो मैंने सीधा नवंबर के बाद जो दिसंबर टर्म था मैंने उसमें दे दिया फाइनल का लास्ट ग्रुप दिया, और फिर उसका रिजल्ट आया मार्च में। ओके, फिर उसके बाद तो जब आपका रिजल्ट आया एंड आई थिंक मुझे लगता है एक ही दो दिन बाद हमारी कन्वर्सेशन हो गई थी राइट? यस, सो रिजल्ट आने के बाद क्या मतलब कुछ नर्वसनेस था या सिर्फ एक्साइटमेंट था पास होने का? एक्चुअली जिस दिन रिजल्ट आया था मैंने एग्जाम देने के बाद, मैंने CMA का भी फाइनल का एग्जाम देने के बाद मैंने एक फॉर्म ज्वाइन कर लिया था, एक्चुअली एक चार्टर अकाउंटेंट फॉर्म मैंने ज्वाइन कर लिया था क्योंकि मेरे को बैठना अच्छा नहीं लगता, मैं कभी भी खाली बैठना मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगता, तो मैंने एक फॉर्म ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ पर भी ऑडिट वॉडिट का काम शुरू कर दिया। तो जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन मैं ऑफिस में ही था, मतलब उस फॉर्म में मैंने था, तो सुबह से मेरे को पता है रिजल्ट आने वाला है, तो ऑफिस में गया, किसी को पता नहीं था उस दिन रिजल्ट आने वाला, खाली एक लड़का था वो भी फाइनल दिया था, उसको पता था रिजल्ट आने वाला, तो हम उसके तरफ मुंह में देखते, वो मेरे मुंह में देखते तो हम लोग बाथरूम में भी जाते तो खाली वहीं पर डिस्कस करा रिजल्ट आने वाला है भाई कितने बजे आएगा, हम लोग लंच भी नहीं किए थे, लंच भी करने का मन नहीं करा था, फिर जब रिजल्ट आने वाला है दोपहर का तब 1:30 बज रहा था, फिर हम एकदम ऑफिस से निकल के सीढ़ी के कोना में जाके बैठा हुआ था एकदम, तो सीढ़ी में कोना के बैठा हुआ था, एक आके देख रहा था कि यहाँ पर क्या उदास है क्या, मन खराब है क्या, कोई किसी झगड़ा वगैरह हो गया क्या, तो नहीं नहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, फिर उसके बाद फिर रिजल्ट आया, जैसे हाँ कहीं कहीं से कॉल आ रहा है कि रिजल्ट आ गया चेक करो, फिर मैंने रिजल्ट चेक किया और देखा कि पास हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ है, बस वही देखना था कितना मार्क्स मिला नहीं मिला वो बात का बात है, पास हो गया। उसके बाद फिर फॉर्म में भी जो सर्वर थे वो सब कॉन्ग्रेचुलेट किए, ये क्वालिफाई कर गए हम लोग का एक ये
बहुत अच्छा था। ओके देन आफ्टर फिर कैंपस के लिए किस तरीके से आपने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की? हाँ कैंपस उसके बाद जैसे रिजल्ट आया फिर उसके बाद दो दिन बाद ही शायद आपसे मुलाकात हुआ, फिर आपसे बात हुआ, फिर आप फिर गाइड करना स्टार्ट किए, मतलब सीवी बनवाना था, फिर उसको कैंपस प्लेसमेंट का उसमें जो फॉर्म आता है उसमें अपलोड करना था, तो सीवी वगैरह बनवाए, फिर आप फिर उसके बाद अलग अलग सेशन दिए थे उसमें कैसे कैसे क्या करना है इंटरव्यू वगैरह के लिए। सो जो भी मैंने सेशंस लिए, जो भी गाइडेंस मैंने प्रोवाइड किया, सब वर्थफुल रहा? हाँ एक्चुअली आपने जो दिया था मतलब पहला जो सेशन था जैसे कि कुछ कुछ सेशन जैसे naukri.com का कैसे अपडेट करते हैं, फिर लिंक्डइन वगैरह सीवी बनवाना, ये सब मतलब लगता है कि बेसिक है, बट इसमें भी काफी सारा ऐसा चीज है जो हम लोग को पता नहीं है, मतलब एज अ नॉर्मल स्टूडेंट को लगता है कि ये सब तो बेसिक चीज है, बट फिर भी उसमें भी कुछ कुछ टेक्निकल चीज है जो जिसके वजह से आदमी को मतलब कहीं ना कहीं लैग करता है, तो वो सब चीज भी अच्छा था। उसके अलावा भी जब इंटरव्यू के लिए जो मेनली जो कैंपस के लिए इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू जो दिए थे, फिर उसका जो नोट्स वगैरह भी दिए थे कि बेसिक जो क्वेश्चंस वगैरह होगा बेसिक क्लियर करने के लिए, वो सब भी बहुत हेल्पफुल था, ये सारा चीज मिला के ओवरऑल इंटरव्यू रेडी करवा दिए थे आप। ग्रेट ग्रेट एंड देन फिर आपने जीडी सेशंस भी किया था, तो वो भी काफी हेल्पफुल था, काफी कुछ आपने डिस्कस किया था जीडी का भी। सो जीडी में यस राइट, सो ओवरऑल मतलब कैंपस प्लेसमेंट आपका वर्थफुल रहा राइट, एंड अब कुछ ड्रीम्स आगे के लिए, कुछ फ्यूचर आगे ड्रीम्स इन द सेंस, इन द सेंस घूमना, कुछ खरीदना, कुछ खुद की ख्वाहिशें, कुछ फर्दर स्टडीज, कुछ भी हो सकता है ड्रीम्स। एक्चुअली 12th के बाद से कभी घूमे फिरे नहीं है, तो 3 साल तो ऐसे कोरोना में 2 साल बिता दिया और 1 साल तो फाइनल का प्रिपरेशन वगैरह इसी में चल आर्टिकलशिप, तो कहीं पर घूमने नहीं गया, तो अभी अभी सोचे फैमिली के साथ जाएंगे कहीं पर घूम के आएंगे, जरूर आएंगे कहीं, पहले तीर्थ यात्रा करेंगे। नहीं नहीं जरूरी है, भगवान का नाम लेना जरूरी है, सब कुछ ऊपर वालों की दुआ और दया से ही होता है, हम लोग तो जस्ट एक माध्यम है उसके राइट। सो अच्छा है, कहीं घूमना जाओ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर लाइफ में, अचीवमेंट्स देते रहो और कभी भी जरूरत पड़े तो याद कर सकते हो, ठीक है? एकदम ऑल टाइम। सो कुछ अच्छा टिप्स एंड सजेशंस बच्चों के लिए लास्टली? टिप्स एक्चुअली मैं अपना ITC का जो इंटरव्यू था उसका जो एक्सपीरियंस है वही टिप्स की तरह काम करेगा। तो जो पहला मेरा जो LNT में मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था जो कि ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए था, 2 तारीख को मेरा कैंपस प्लेसमेंट का फर्स्ट डे था, तो उसके पहले ऑनलाइन एग्जाम लिया था LNT ने, तो उसमें खाली 6 स्टूडेंट को उन लोगों ने फाइनल एग्जाम इंटरव्यू के लिए कॉल किए थे, तो उसमें मेरा नाम था, बट मैंने क्या किया LNT को प्रेफरेंस में नहीं रखा, मेरे को एक्चुअली जानना तो था, मेरे को IREDA एक तो कंपनी था, PSC उसमें भी मेरा शॉर्टलिस्टिंग था, और ITC तोबाको मेरा काफी सारा कंपनी में शॉर्टलिस्टिंग, ITC तोबाको, CH टायर्स, ITC होटल्स, ITC TMND काफी सारा में था, तो डाउट था कि किसमें, इसलिए हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज थे। हेलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैं बोल रहा हूँ इसलिए हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज थे कि हम किस कंपनी का इंटरव्यू दे और किसको छोड़ दे, क्योंकि कुछ इंटरव्यूज हमारे बिल्कुल मॉर्निंग में थे राइट। हाँ तो LNT में मेरा जो इंटरव्यू था 9:30 बजे, क्योंकि हमको पता था उसमें 6 स्टूडेंट थे और उसमें से कुछ एक दो स्टूडेंट, 2-3 स्टूडेंट ऐसा थे जो देने वाले नहीं है, हमको श्योर था, तो 3 स्टूडेंट थे, 2-3 स्टूडेंट में कंपटीशन था, तो मेरे को श्योर था कि मेरा उसमें हो जाएगा, और अगर LNT में मेरा हो गया तो मेरे को दूसरा जो अच्छा कंपनीज है उसमें मैं इंटरव्यू देने मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा, उधर मैं ब्लॉक हो जाऊंगा, ये कैंपस प्लेसमेंट का गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। तो मेरे को ITC तोबाको का इंटरव्यू शुरू हुआ 8:30 बजे, मैंने ITC तोबाको में इंटरव्यू दिया फर्स्ट राउंड, मेरा फर्स्ट राउंड हुआ, फिर वहाँ पर क्लियर हो गया फर्स्ट राउंड, और फर्स्ट राउंड अराउंड 30 मिनट्स का राउंड चला, फिर फर्स्ट राउंड होने के बाद फिर सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ, सेकंड राउंड में सीनियर ऑफिशियल्स थे, मतलब एकदम हाई लेवल मैनेजमेंट आए थे वहाँ पर सीनियर सेकंड राउंड, और वो हाईली टेक्निकल हुआ था एकदम पूरा, एकदम 45 मिनट 50 मिनट पूरा एकदम हुआ था। फिर वहाँ पर फर्स्ट सेकंड राउंड जैसे हो गया मेरा, उधर ही मेरे को वो लोग ने कहा कि तुम कहीं मत जाना, दरवाजे के बाहर खड़े रहो, तुमको 2 मिनट बाद आ जाएगा। तो मैं 2 मिनट भी नहीं हुआ, मैं आई थिंक अराउंड 1 मिनट हुआ, फिर HR आके मेरे को बोले प्रसन्नजीत यू हैव बीन सेलेक्टेड विद ITC तोबाको, प्लीज साइन द कंसेंट फॉर्म एंड एवरीथिंग एंड डोंट गो एनीवेयर एल्स फॉर द इंटरव्यू। तो उस टाइम था कि कहीं और क्यों जाएंगे जब हो ही गया ITC तोबाको में। या डेफिनेटली। तो फिर
फिर उसके बाद फिर आई टी सी, तो यही बोलना चाहता इंटरव्यू में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, क्योंकि मेरे को आसपास पे कितना कॉल आ रहा है एलएनटी में इंटरव्यू दे दो, एलएनटी में इंटरव्यू दे दो, क्योंकि एलएनटी से भी मेरे को इंस्टीट्यूट का कैंपस प्लेसमेंट का जो कोऑर्डिनेटर जो थे वहाँ पर आसपास घूम रहे, तो वो लोग भी बोल रहे ये मौका तुम छोड़ देगा तो तुमको किंतु तुम बाद में फिर रोने धोने से भी कुछ नहीं होगा, तुम जितना भी कर लो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे को भी मन में कहीं ना कहीं डर था, बट फिर मेरे को कॉन्फिडेंस था कि आई टी से तो इंटरव्यू देंगे और मैं यहीं पर क्रैक कर देंगे, तो उनको मैं बोल रहा था कि मैं क्रैक कर दूंगा, फिर वो लोग तो सुन रहे कि ऐसे ही कर रहा कि ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं क्रैक कर देंगे क्रैक कर देंगे, मतलब उतना इजी थोड़ी ना। फिर मैंने फर्स्ट राउंड दिया, फर्स्ट राउंड मैंने जैसे दिया और पूरा मैं कॉन्फिडेंट था, अंदर में घुस गया एकदम, जाके पूरा एकदम 30 मिनट जो भी वो पूछे इंटरव्यू सारा मैंने बताया और कॉन्फिडेंट रहा। पता नहीं मेरे को मैं उतना कॉन्फिडेंट में कभी रहता नहीं हूँ, बट लग रहा है कि फुल्ली मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा अलग ही जोश आ गया था उस टाइम, क्रैक करेंगे एलएनटी को छोड़ेंगे और इसको क्रैक करेंगे। तो मैंने पूरा उसका एक रीजन ये भी था, पिछले 2-3 दिन से तुम मॉक इंटरव्यूज बैक टू बैक मेरे साथ दे रहे थे। हाँ ये भी था कि आपके साथ मॉक इंटरव्यू दिए, तो पहला दिन अच्छा नहीं हुआ था, फिर उसके बाद से इम्प्रूव करते 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 पूरा मतलब बढ़िया से हो गया था। फिर उस टाइम अलग ही तो जोश आ गया था, मतलब इंटरव्यू रूम में फर्स्ट राउंड जैसे दिया और फर्स्ट राउंड जब सुना कि फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया तो कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो गया, तब लगा कि चलो नजदीक और आ गया मंजिल के और नजदीक आ गया। फिर सेकंड राउंड जब चालू हुआ तो सेकंड राउंड में मतलब एकदम हाई ऑफिशियल्स थे, मतलब एकदम आईटीसी के मतलब बहुत ही हाई लेवल के थे, तो वो लोग भी थे उस टाइम, जैसे हमको पता चले कि बहुत हाई लेवल के, तब जाके थोड़ा और भी थोड़ा नर्वस हो गया था। फिर वहां पर पैनल मेंबर बहुत अच्छे थे, वो लोग भी बहुत कोऑपरेटिव थे, मतलब ऐसा लग नहीं रहा, मतलब जब 25-30 मिनट जब इंटरव्यू होने लगा सेकंड राउंड में, तब उस टाइम लगा कि नहीं इंटरव्यू नहीं हो रहा, लग रहा है ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो लोग भी चार एक कोऑपरेट कर रहे थे। पर सेकंड राउंड में बोलूंगा बहुत ज्यादा टेक्निकल था, और मैं आईआईटीसी का इंटरव्यू जब दिया था, जो मैंने बेसिकली मैंने बहुत जगह में देखा है कि व्हाई डू यू वांट टू हायर यू, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, व्हाई शुड यू हायर ओनली यू, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आईआईटी, ये सब कुछ क्वेश्चन नहीं था मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं था, तुम्हारा हॉबीज क्या है कुछ नहीं था। पहले पूछा इंट्रोडक्शन, फैमिली, सेकंड राउंड में थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा, एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में पूछा, सीएमए कितना टाइम में क्लियर हुआ, फर्स्ट टाइम है कि नहीं है, क्या है, सब कुछ पूछा, बस ये वाला हुआ बेसिक चीज। उसके बाद सीधा वो टेक्निकल क्वेश्चन था आगे, और कोई फालतू का कोई टाइम वेस्ट नहीं था। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा जब वो सब तैयार मत करो, वो सब भी तैयारी करना जरूरी है, अगर वो पूछ ले स्ट्रेंथ वो एक्चुअली क्या है ना, वो कुछ कैंपस में नहीं कंपनीज पूछती है, कुछ कंपनी पूछ भी सकती है, तो वो अलग हर एक कंपनी का एक अपना टारगेट एरिया होता है, उसको इन डिटेल डिस्कस नहीं करते। हाँ तो बेसिकली वही था। और सेकंड चीज क्या है, आईटीसी मतलब आईटीसी तुबाको के इंटरव्यू में मेरे को जो लगा कि टेक्निकल चीज पे वो लोग ज्यादा फोकस कर रहे थे, अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब इंटरपर्सनल स्किल तो है, वो द बैक ऑफ द माइंड वो क्रिएट हो जाता है कि आदमी कैसे बात कर रहा नहीं कर रहा, बट टेक्निकल चीज के ऊपर मेरे को लगा थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे थे वो लोग, उन लोगों का मेन टारगेट वही था। और अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्फिडेंस लेवल सबसे मेन है, कि इंटरव्यू में पूरा कॉन्फिडेंस अच्छा से रखना पड़ेगा, क्योंकि एक जहाँ पर आप नर्वस हो जाएंगे, जिस पॉइंट पे अटक जाएंगे, वो उसी को और डिग डाउन करते जाएंगे। कोई भी एक पॉइंट में मेरे को कुछ गलती हुआ था, तो फिर वो लोग उसी में और ज्यादा डिग करते रहे। तो मतलब कुछ चीज अगर किसी को नहीं आ रहा तो ऐसे मतलब ऐसा हर एक इंटरव्यू में होता है। हाँ कि आप जहाँ मिस्टेक करते हो ना, वो पॉइंट से रिलेटेड चीजों को फिर ऊपर क्वेश्चन पूछने शुरू कर देते हैं कि आप और फंसो उसमें। तो वही सब था, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने पूरा शेयर किया। चलो अच्छा है, एंजॉय, एंड अभी जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती है तब तक एंजॉय कर लो, ज्वाइन करने के बाद फिर बहुत काम करना होगा, ठीक है? एंड तब तक बेस्ट ऑफ लक, जो भी ट्रिप करना है ट्रिप से घूम के आओ, ओके? हेलो, एक्चुअली आपका बात थोड़ा बीच में कट गया था, थोड़ा रिपीट कीजिए। मैंने बोला कि तब तक ट्रिप एंजॉय करो एंड घूमो फैमिली के साथ, अच्छा। जब तक ज्वाइनिंग नहीं होता है। अच्छा हाँ वो तो है ही, वो तो अब ज्वाइनिंग होने, आई थिंक ज्वाइनिंग बहुत जल्द हो जाएगा, इस मंथ में भी हो सकता है। या अब तो तुम्हारा मेडिकल भी हो गया है, तो ऑलमोस्ट अब चीजें खत्म हो चुकी है। हाँ मेडिकल हो गया, आपका डॉक्यूमेंटेशन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वो सब बाकी है थोड़ा बहुत, तो वो सब हो जाएगा तो फिर ज्वाइनिंग का डेट आ जाएगा। या तब तक मैं ये भी बहुत खुश हूँ कि हम लोग के साथ जितना भी फ्रेंड्स थे ग्रुप में जो लोग कैंपस के लिए आपके पास ज्वाइन किए थे, सारा लोगों का हो गया,
और मतलब सारा प्रोफेशनल जो लोग सीएमए क्वालिफाई किया, इस बार का कैंपस प्लेसमेंट थोड़ा सा मतलब था, थोड़ा कम लोगों का हो पाया इस बार, बट फिर भी मेरा जान पहचान में जितने लोग है, मतलब हम लोग के साथ जो लोग ग्रुप पे थे, सारा लोगों का हो गया। ये सबसे बहुत मतलब खुश होने वाला चीज है कि आप ही के पास से आया, ज्वाइन किया और 100% कैंपस प्लेसमेंट क्रैक करके निकले बस। यस, मुझे भी बहुत खुशी है, बिकॉज इससे स्टूडेंट्स के अंदर तो क्वालिटी थी, लेकिन टीचर्स के अंदर भी क्वालिटी होता है कि आप उस स्टूडेंट को जो उसकी क्वालिटी है उसको आइडेंटिफाई करके देना। तो मैंने अपना काम किया, तुमने अपना काम किया, दोनों ने अपना काम किया, सिलेक्शन हो गया सबका एकदम। चलो ठीक है फिर, बाय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू शेड्यूल, वेलकम, बहुत अच्छा लगा।